हमारे लिए अच्छा था जब लॉकडाउन था, कम से कम तमाम लोकल ट्रेनें तो यहाँ ठहर रही थी। ये कहना है इस्लाम पड़ा हाल्ट स्टेशन बांसबड़िया के मुसाफिरों का। लॉकडाउन के दरमियान इस स्टेशन पर तमाम ट्रेनें रुकती हैं और लॉकडाउन खत्म होते ही न जाने रेल इंतजामिया को क्या हो जाता है। कोरोना की दूसरी लहर शुरू होते ही रियासत में लोकल ट्रेनें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई थी, सिर्फ पेट्रोल स्पेशल ट्रेनें ही चलती थी। गुज़श्ता कल रियासती हुकूमत ने 31 अक्टूबर से मुकम्मल तौर पर लोकल ट्रेन को चलाने की मंजूरी दे दी। इस बात से जहां लोगों में खुशी दिखाई दे रही थी, वहीं आज सुबह इस्लामपड़ा हाल्ट स्टेशन पर मुसाफिरों में नाराजगी, गम और गुस्सा पाया गया। आज से पूरे बंगाल में लोकल ट्रेन तो चालू कर दी गई, मगर इस हाल्ट स्टेशन पर वही पुरानी हिदायत पर दिन भर में सिर्फ एक ही ट्रेन सुबह और शाम। आखिर क्यों? इस्लामपड़ा हाल्ट के मुसाफिरों ने कहा, अगर यहाँ तमाम ट्रेन नहीं रुकी तो जबरदस्त मुजाहरा होगा। ये सब ट्रेन मिलने के बाद सिर्फ 12 दिन में ये हुआ था। ये हम लोग का हुआ था आपका अप्रैल का, मतलब सब ट्रेन मिलने के बाद। ऐसे ये दो ट्रेन था तब का था। बेनिफिट तो बहुत सारा था। पहले क्या हम लोग का सेल था दिन दिन में 100 टिकट 90 टिकट 100 टिकट 90 टिकट 80 टिकट। फिर हम लोग का टिकट एक दिन का कम से कम मिनिमम हम लोग का 800-900 चल रहा था सर। अच्छा, और अचानक से यहाँ का पब्लिक का भी जरूरत है। पब्लिक बहुत सारा यहाँ क्वेश्चन कर रहा है आगे की, क्यों नहीं चल रहा, कोई मतलब नहीं हुआ। लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हमको सब ट्रेन चाहिए। हम कुछ कर नहीं सकते। 80% अगर काउंट की बात किया तो एक दिन में कितना सेल होता था टिकट? एक दिन में कम से कम नहीं भी तो मिनिमम 800-700। और इस तरह नॉर्मली जब दो ट्रेन आ गया तो फिर वही 60-70 टिकट 100 टिकट। कहाँ शिकायत की है? हम लोग CTI को बोले हैं, DCM से बात, DCM को शिकायत किया गया था, लेकिन अभी तक इसका कोई एक्शन नहीं आया। हम लोग का जो इंचार्ज है उनको भी बोला जा रहा है, सब कुछ देखा, उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया। नहीं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया, बोला देखा जाएगा। और रहा बात का, हम लोग वहाँ भी देख रहे हैं जहाँ से टिकट आ रहा है, हम लोग का डेली का वहाँ का टिकट लाना 10,000 का 12,000 का टिकट लाना है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा। देखिए पब्लिक क्या करना चाहिए।